अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय मॉम्स रेसिपी चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय रीसेंट वीडियोस। आज हम बनाने वाले हैं मंदी मसाला। मंदी में मेन इंग्रेडिएंट होता है मंदी मसाला। आज मैं ये मसाला बनाने वाली हूँ। 3 किलो चिकन, 2 किलो राइस, यानी कि टोटल 5 किलो। आप अगर उसे कम बना रहे हैं तो आप इसे आधा बना रहे हैं तो आधा कर लें आप मसाले को, लेकिन आप सारा मसाला बना कर रख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 20 इलायची ले ली है, देख सकते हैं आप 20 इलायची ले लें, गिन के 20 इलायची ले ली है मैंने। ये मैंने 2 टेबलस्पून लौंग ले लिया है, 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून काली मिर्ची, 2 इंच सौंठ, ये मैंने 2 बड़ी काली इलायची ले ली है, ये देखिए 2 बड़े काले नींबू ले लिए, इसके बीज अलग कर दें आप, 2 टेबलस्पून दालचीनी, 2 जायफल ले लें आप देख सकते हैं। अब हम ये सारे मसालों को रोस्ट कर लेंगे। आप इसे भून लें अच्छे से। मैंने काली मिर्ची, सिर्फ हमें इसे जो नहीं भूनना है वो है काला नींबू, वरना वो खसाला हो जाएगा। धनिया, इलायची, लौंग, 2 बड़ी इलायची, सौंठ, ज़ीरा, सारे चीज़ों को आप अच्छे से रोस्ट कर लें। इससे मसाले लॉन्ग टाइम तक रहेंगे। ये देख सकते हैं हमने सारे मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लिया, अच्छे से भून लिया है। ब्लैक लेमन और ये जायफल, हमने 2 चीज़ों को नहीं भुना है। अब सारे मसालों को हम मिक्सर जार में ऐड कर लेंगे। आप जायफल को एक बार कूट लें, साबित जायफल ना डालें मिक्सर में, फोड़ लें इस जायफल को। मैंने सारे मसाले मिक्सर जार में ऐड कर दिए हैं। ये मसाले जो हमने भून लिए, इसकी वजह से मसाले ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा कोई चीज़ न्यू बनानी है जब मसाले बनाना मुश्किल काम हो जाएगा। ये मैंने मसाले ऐड के लिए, इसे मैंने बारीक पाउडर बना लेना है। ये देखिए मैंने बारीक पाउडर बना लिया है, देख सकते हैं आप। ऐसे ही हमें मसालों को पीस लेना है और एक आप ग्लास के जार में सारे मसाले रिजर्व करके रख लिए। ये फाइनल लुक रेडी हो चुका है मंदी मसालों का। ये बहुत लजीज और मज़ेदार बनता है ये मसालों से, इसे आप ज़रूर ट्राई करें और इसे बनाकर रख लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माई मॉम्स रेसिपी चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन।